कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि 2024 में भी बीजेपी की ही सरकार केंद्र में बनने वाली है। दरअसल शुक्रवार को उन्होंने ये दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 2019 वाला प्रदर्शन दोहराना असंभव होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 50 सीटों का नुकसान हो सकता है। बीजेपी ने 2019 में अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में भी 18 सीटें बीजेपी ने जीती। अब उन सभी परिणामों को दोहराना असंभव है। 2024 में बहुमत से नीचे रहने की पूरी संभावना है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वो बीजेपी के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि कई राज्यों से उनकी सरकार चली गई है। केंद्र में सत्ता खोना भी कोई असंभव बात नहीं है। अब शशि थरूर के दावे को बारीकी से परखें तो 2019 में बीजेपी ने ही सिर्फ 303 सीटें हासिल की थी। अगर शशि थरूर के दावे को सच माने तो बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 250 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में बीजेपी एनडीए के सहयोगियों के साथ मिलकर आसानी से सरकार बना लेगी, क्योंकि केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 272 सीटों की जरूरत होती है। हालांकि तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी 250 सीटों पर रुक जाती है तो अन्य के पास 290 सीटें होंगी। हमें ये नहीं पता है कि बीजेपी को छोड़कर 290 सीटें लाने वाली पार्टियां आपस में सहमति बना पाएंगी या फिर नहीं। बहरहाल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।